तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में पढ़ाओ उससे पहले उसका इक्वेशन हम देख लीजिए। वी इज इक्वल टू आर आई आर, जहाँ पे वी है वोल्टेज, वोल्टेज आई है करंट एंड आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। कई स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है। तो वोल्टेज और करंट में मेनली ये डिफरेंस होता है कि जैसे कि कोई एक सर्किट है, यहाँ पे एक कंडक्टर तार है, यहाँ पे अपने ने एक बैटरी लगा दी है, जैसे मान लो कि 12 वोल्ट की है, तो इसकी ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये रहा अपना 12 वोल्ट। ये डीसी है इसलिए ये सिंबल आता है, अगर एसी रहता तो इसमें अपने ऐसे सिंबल बनाते हैं क्योंकि एसी साइन वेव को फॉलो करती है ना। तो अगर ये कंडक्टर रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो उसको अपने ऐसे शो कर देते हैं सिंपली। तो ये रहा इसका आर, आर रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जो वोल्टेज का डिफरेंस है, ये वोल्टेज का डिफरेंस है 12, और इसमें जो करंट जाएगा वो आई रहेगा। तो जैसे कि आप वोल्टेज और करंट को ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि एक यहाँ पे एक पाइप है, ये लंबी सी पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है ए पॉइंट से और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो यहाँ से पानी ऐसे फ्लो करेगा। तो ये मान लो कि अगर ये थोड़ा यहाँ पे ढलान रहेगा तो पानी यहाँ से यहाँ ज़्यादा फोर्स में जाएगा, तो जो अंदर पानी है उसको आप करंट मान सकते हो और जो फोर्स में जा रहा है उसको आप वोल्टेज मान सकते हो, वोल्टेज। तो आई थिंक वोल्टेज और करंट में आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो ओम्स लॉ का यही सिंपल फंडा है कि वोल्टेज जो रहता है कोई भी सर्किट में वो करंट इनटू आर, उसके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो कि वोल्टेज 12 एम्पियर है, 12 वोल्ट है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया कि करंट कितना रहेगा, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस भी दे दिया होगा, जैसे मान लो कि 5 ओम है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट है तो आपको करंट निकालना है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आई ऐसे ही रहेगा, 5 ओम रेजिस्टेंस था तो 12 डिवाइड यहाँ पे आ जाएंगे और ये आई है। आप इसका कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका करंट का रहेगा, करंट का यूनिट रहता है एम्पियर। ओके आई थिंक इट्स क्लियर, वोल्टेज एंड करंट।